नमस्कार साथियों साथियों, अपना आज का टॉपिक रहेगा सस्य जलवायु खंड, जो कृषि विज्ञान का अलग से एक टॉपिक दिया गया है आपके सिलेबस में, जिसका नाम है सस्य जलवायु खंड। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जो सस्य जलवायु खंड है वो भारत के अलग है और राजस्थान के अलग है, तो दोनों को सेपरेट तरीके से देखते हैं। इधर लिखते हैं भारत के और इधर राजस्थान की, ठीक है। देखो इनकी संख्या, भारत में इनकी संख्या होती है प्लानिंग कमीशन के अनुसार तो 15 और आईसीआर के अनुसार 131। देखिए इनकी संख्या होती है प्लानिंग कमीशन के अनुसार, प्लानिंग कमीशन के अनुसार भारत में टोटल एग्रो क्लाइमेटिक जोन है 15। कितने? 15। जबकि आईसीएआर और एनएआरपी इसके अकॉर्डिंग भारत में सस्य जलवायु खंड है 127 और 131। देखिए कैसे, ये पहले थे 127, जिनकी संख्या बढ़कर अब हो गई है 131। ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है आईसीआर में, एक बार आईसीआर में पूछा हुआ क्वेश्चन है सोइल साइंस जेआरएफ में, जेआरएफ सोइल साइंस में, कि भारत में आईसीआर के अकॉर्डिंग कितने एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स है। तो उसमें ऑप्शन थे 15, 127, 131 और 10। तो उस टाइम राइट माना था 127। 2019 की बात कर रहा हूँ, 2019 में आया था क्वेश्चन, तब ये 127 थे। अब इनकी संख्या बढ़ाकर 131 कर दी गई है। ये हो गए अपने भारत के। अब इनमें से जो भारत के में से क्वेश्चन पूछेगा ओनली वन संख्या, मतलब संख्या कितनी है, बाकी इतना आपको डीपली नहीं पूछेगा कि भारत में प्लानिंग कमीशन के अनुसार कितने सच्चे जलवायु खंड है, इसके अलावा आईसीआर और एनएआरपी के अकॉर्डिंग कितने हैं। तो 127 पहले थे, इनकी संख्या बढ़ाकर अब 131 हो गई है, ठीक है। अब बात करते हैं राजस्थान, तो राजस्थान में इनकी संख्या है 10। कितनी? 10, ठीक है। अब है राजस्थान भारत के कौन से सस्य जलवायु खंड में आता है, तो राजस्थान भारत के 14वें व 8वें सस्य जलवायु खंड में आता है। यानी कि जो राजस्थान है इन भारत के 14वें व 8वें सस्य जलवायु खंड में सम्मिलित होता है। यानी कि राजस्थान का अधिकांश भाग तो 14वें में आता है, जबकि थोड़ा बहुत भाग 8वें में भी आता है। इस कारण ये 14वें व 8वें दोनों में रखे गए हैं। यानी कि जो 80% भाग है, 80% भाग है वह तो 14वें में, प्लस 20% भाग जो बच गया दक्षिणी पूर्वी वाला वह 8वें में। इस कारण ये 14वें व 8वें दोनों में सम्मिलित किया जाता है। जबकि गुजरात ओनली वन भारत के 8वें सस्य जलवायु खंड में सम्मिलित होता है। ये हो गया आपके। अब राजस्थान के पढ़ते हैं हम, भारत के इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, यही पूछेगा जो मैंने बता दिए, और इनमें से ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब 10 के 10 सेपरेट रूप से पढ़ेंगे, तो आगे देखते हैं राजस्थान के सस्य जलवायु खंड। देखिए संख्या बताई कितनी मैंने, 10 राजस्थान के सस्य जलवायु खंडों की। तो पहले लिख लेते हैं इनका नाम, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, सेकंड ए, सेकंड बी, थर्ड ए, थर्ड बी, फोर्थ ए, फोर्थ बी और फिफ्थ। ये हो गए 10 के 10 सस्य जलवायु खंड। ये हो गई आपकी फर्स्ट सीरीज, फर्स्ट सीरीज, ये आपकी सेकंड सीरीज, और ये अपने थर्ड सीरीज हो गई, और ये फोर्थ सीरीज, और ये लास्ट वाली फिफ्थ सीरीज है। इस प्रकार से मिलाकर ये राजस्थान के 10 सस्य जलवायु खंड माने जाते हैं। ये आपके कोड वर्ड है, इनके अलावा इनका हिंदी में नाम अलग है। जैसे 5वें का है आद्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी भाग, इसका है आद्र दक्षिणी मैदानी भाग, इनका है आद्र या अर्ध आद्र आद्र दक्षिणी मैदान। इस प्रकार ये सिक्का है अति शुष्क मैदानी क्षेत्र, इस प्रकार से इनका नाम हिंदी में, वो आप देख लेना बुक में से पढ़ लेना। बाकी ये देखिए, अब देखते हैं इनको आसानी से कैसे समझे। जैसे आप याद करते हो कि पेस्ट ए के अंदर मतलब कौन सा जिला आएगा, मतलब पेस्ट बी में या इसमें कौन सा, या 5वें में कौन सा जिला आएगा,
तो आपको मैं समझाता हूँ बिल्कुल आसान तरीके से राजस्थान का नक्शा बनाकर, ताकि आप एक बार याद कर लोगे तो 1% भी उसको दोबारा नहीं भूलोगे। ठीक है, तो देखते हैं, नक्शा बनाकर समझते हैं इसको। ये हो गया आपके राजस्थान का नक्शा, बेटा तो नहीं है जैसा का जैसा होता है, लेकिन आपके समझ में आ जाएगा कुल मिला के बात ही। ठीक है, तो बात करें, यहां पे सेंटर में होता है नागौर, ठीक है, और यहां पे पश्चिम के अंदर होता है यहां पे जैसलमेर, ठीक है, और यहां पूर्व में होता है, यहां पे लिख लो पहले, पूर्व है, पश्चिम, उत्तर, ये दक्षिण, ठीक है, मध्य में नागौर हो गया, पूर्व की ओर यहां पे होता है धौलपुर छोर पर, यहां पे श्रीगंगानगर, गंगानगर, और यहां पे होता है बांसवाड़ा, ठीक है, ये आपके छोर के जिले हो गए। अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से खंड में कौन कौन सा जिला आता है, इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कौन से खंड में, यानी ये आ गया दे दिया कि फर्स्ट एम में राजस्थान के कौन कौन से जिले सम्मिलित होते हैं, तो आपको याद होगा तो आप कर दोगे। जैसे ये मान लो कि पांचवा है, तो पांचों में ये भाग आएगा, तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इनमें से कोई ऑप्शन होगा तो आप कर दोगे, नहीं तो बैठे रहोगे। तो ठीक है, करें स्टार्ट वेस्ट ए से। ठीक है, तो वेस्ट ए में आता है जोधपुर और बाड़मेर, कौन कौन से, जोधपुर और बाड़मेर, तो बाड़मेर यहां है और जोधपुर यहां है, तो नक्शे से समझ लीजिए और गोला मार के इधर लिख दीजिए वेस्ट ए। ठीक है, वेस्ट ए में जोधपुर और बाड़मेर, ये भाग मतलब, ठीक है। अब है पेस्ट बी, तो पेस्ट बी में ये पोर्शन आएगा, पेस्ट बी उत्तर वाला, यानी गंगानगर और हनुमानगढ़, पेस्ट बी। अब बात करते हैं पेस्ट सी, तो पेस्ट सी में आता है बीकानेर और जैसलमेर, यहां पे है बीकानेर, बीकानेर, तो ये पोर्शन हो गया, यानी कि पश्चिम वाला, पेस्ट सी, ये हो गई पेस्ट सीरीज। अब बात करते हैं सेकंड वाले की, सेकंड ए, तो सेकंड ए में आता है ये भाग, सेकंड ए, यानी कि नागौर, यहां पे सीकर, और यहां पे अंत में छोर में है झुंझुनू, ठीक है, सेकंड ए। अब बात करते हैं सेकंड बी की, तो इसके जस्ट विपरीत भाग में सेकंड बी पाया जाता है, इसमें यहां पर, यहां पे सेकंड बी, यानी कि जालौर, पाली और सिरोही, सिरोही का कुछ पार्ट, पूरा सिरोही नहीं, सिरोही का कुछ पार्ट, सिरोही का कुछ पार्ट, यहां पे लिख दो सिरोही, ठीक है, यानी कि सेकंड ए और सेकंड ए के जस्ट विपरीत सेकंड बी, कितना आसान तरीका है, सेकंड ए और सेकंड ए के जस्ट विपरीत सेकंड बी, और ये तीनों पास पास में हो गए। अब बात करते हैं सेकंड ए का सीरीज हो गया, अब थर्ड की बात करते हैं, थर्ड ए, तो थर्ड ए में ये पोर्शन आ जाएगा, यहां वाला, ये वाला, ये वाला, थर्ड ए, थर्ड ए, यानी कि जयपुर, टोंक, दौसा, अजमेर, ये चार जिले सेकंड, सॉरी थर्ड ए में, और थर्ड ए के पास में ही थर्ड बी पाया जाता है, यानी कि ये पोर्शन, यानी पूर्व वाला पोर्शन थर्ड बी में आता है, थर्ड बी पोर्शन याद कर लो, दिशा याद कर लो राजस्थान के नक्शे में कि कौन सी दिशा में कौन सा खंड आ रहा है, तो ये थर्ड बी में पूर्व वाला पोर्शन, यानी कि धौलपुर, इसमें धौलपुर आएगा, अलवर, करौली, स्वाईमाधोपुर और भरतपुर, ये मतलब पार्ट आ जाएगा इसमें थर्ड बी में, और थर्ड बी के पास में तो थर्ड ए है, ठीक है, ये थर्ड सीरीज हो गई। अब बात करते हैं फोर्थ सीरीज की, तो फोर्थ सीरीज में ये पार्ट आएगा, ये पार्ट, ये यहाँ तक ये पार्ट, यानी कि फोर्थ ए, फोर्थ ए, तो फोर्थ ए में इस पार्ट में कौन कौन से जिले आएंगे, उदयपुर, उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद और भीलवाड़ा, और सिरोही का कुछ पार्ट, यानी सिरोही दोनों में आएगी, थोड़ी सिरोही तो यहाँ पे इस सेकंड बी में, और पश्चिम वाली थोड़ी बहुत बच गई वो फोर्थ ए में, तो अपने चार जिले तो पूरे हो गए, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा फोर्थ ए में। अब बचता है फोर्थ बी, फोर्थ
बी, तो फोर्थ बी में ये पोर्शन आ जाएगा, यानी कि बांसवाड़ा प्रतापगढ़ और डूंगरपुर, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ और डूंगरपुर फोर्थ बी में, यानी फोर्थ ए और फोर्थ बी पास पास में ही। अब बचा कौन सा, पांचवा, तो ये पांचवा यहां आ जाएगा, ठीक है, जिसमें आएगा कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, जो आद्र जिले पांचवे में आएंगे, ठीक है। ये हो गया आपके 10 के 10 जलवायु खंड। दोबारा से बता रहा हूं, फर्स्ट की बात करते हैं तो ये पोर्शन यानी जोधपुर और बाड़मेर वाला, ठीक है, और फर्स्ट बी तो ये गंगानगर और हनुमानगढ़ यानी उत्तर वाला, एक ये फर्स्ट ए और ये फर्स्ट बी उत्तर वाला, और फर्स्ट सी बीकानेर जैसलमेर यानी कि पश्चिम वाला, ठीक है, एक का काम। अब बात करते हैं दो वाली की, तो सेकंड ए और सेकंड बी, सेकंड ए की बात करते हैं तो नागौर, सीकर और झुंझुनू ये वाला, ठीक है, ये, और सेकंड बी यानी कि जस्ट इसके अपोजिट पोर्शन में, तो ये आ गए अपोजिट पोर्शन, ये पाली, जालौर और सिरायू का कुछ पार्ट सेकंड बी में, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड ए, तो थर्ड ए यहाँ पे ये जयपुर, टोंक, दौसा और अजमेर, और थर्ड बी यानी कि थर्ड ए में जयपुर, दौसा, टोंक और अजमेर थर्ड ए, और थर्ड बी पास में यानी पूर्व वाला पोर्शन पूरा आ जाएगा इसमें, धौलपुर, करौली, भरतपुर, सवाई माधोपुर ये जिले आ जाएंगे, ठीक है, थर्ड बी यानी कि ए के पास में ये बी, ठीक है, और ये फोर्थ वाला तो फोर्थ ए और फोर्थ बी यानी दोनों पास पास में, फोर्थ ए और ये पास में फोर्थ बी, और बचा कौन सा, पांचवा, तो पांचवा ये आद्र वाला भाग आ गया यानी आद्र दक्षिणी मैदानी भाग, इसमें कोटा, बूंदी और बारा, झालावाड़ ये जिले सम्मिलित होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सस्य जलवायु खंड के कुछ महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा पूछे जाते हैं, दो तीन क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, इनमें से ही बनते हैं, ठीक है, तो देखते हैं। सबसे शुष्क महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिख देते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, पहला क्वेश्चन, सबसे बड़ा सस्य जलवायु खंड कौन सा है, सबसे बड़ा खंड लिख दो डायरेक्ट, तो है वेस्ट सी, वेस्ट सी सबसे बड़ा है, इसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है, कितना, 7 यानी 8 मिलियन के आसपास है, 8 मिलियन हेक्टर के आसपास, 7.7 मिलियन हेक्टर राउंड फिगर में, ठीक है। अब है सबसे छोटा, सबसे छोटा सस्य जलवायु खंड, तो छोटा है फोर्थ बी यानी 2 मिलियन हेक्टर के आसपास क्षेत्रफल है, 1.7 मिलियन हेक्टर है राउंड फिगर में, ठीक है। अब है सबसे शुष्क खंड, यानी कौन सा सस्य जलवायु खंड है जो सबसे शुष्क है, यानी कि सबसे कम वर्षा होती है, तो वह है पश्चिम सी, बीकानेर जैसलमेर वाला, बीकानेर जैसलमेर में कम वर्षा होती है, तो यह शुष्क या अति शुष्क खंड, तो पश्चिम सी, ठीक है। चौथा क्वेश्चन बन रहा है सबसे आद्र, या तो सबसे शुष्क यानी सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे शुष्क और सबसे आद्र, सबसे आद्र खंड, तो सबसे आद्र खंड कौन सा है, कहाँ होती है सबसे ज्यादा वर्षा, कौन से खंड में होती है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ यानी कि पांचवा खंड जिसमें सर्वाधिक वर्षा होती है, यानी कि सबसे आद्र बोल दो या लिख दो कोष्ठक में सर्वाधिक वर्षा, और इसमें लिख दो सबसे कम वर्षा। तो ये दोस्तों हो गया आपके आज का टॉपिक सस्य जलवायु खंड। जब तक नमस्कार।